आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 2023 के लिए AIMIM उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त का ऐलान किया गया। आज AIMIM के सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दारुसलाम में कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। चंद असम्बली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा था, तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर मंजिल सिलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राजेंद्र नगर की असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी और जुबली हिल से। आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल से कैंडिडेट का ऐलान नहीं करूँगा, वो शाकली का बुला आपके सामने। और सबसे पहली बात यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन कोटे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर बजुद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूबपुरे से जाफर हुसैन मीराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फिकार साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार। तो ये अहम बातें जो आपको बताना था ये आपको बता चुका हूँ। अगर आपके कोई सवाल है, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा, मैं जल्दी करूँगा क्योंकि आज से नॉमिनेशन की तारीख शुरू हुई, तो ये करूँगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुभाना व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों को वो MLA बनेंगे, कामयाब होंगे, आवाम की उनका साथ मिलेगा, आवाम की दुआएं, आवाम का मिलेगा इंशाअल्लाह तआला। और हमारी कैंपेन का आगाज भी कल परसों शुरू हो जाएगा, तो दूसरे 3 असेंबली हफ्ते जाकर इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर सकूँ। जितनी मैं तारीफ करूँ उनके खिदमत के बारे में बोलूँ बहुत कम होगा, और बे इंतहा बेलोस तरीके से मजलिस की खिदमत करके आए, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन और खिदमत करेंगे, मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की वो रहबरी भी करेंगे, अपने मशवरों से मुझे आरास्ता करेंगे। मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया थे, कॉर्पोरेटर थे पहले, फिर उसके बाद 94 में MLA बने। 1996 में मुमताज़ अहमद खान साहब सालार का पार्लियामेंट इलेक्शन था, मजलिस में नहीं थे, तब भी मुमताज़ अहमद खान साहब सालार के इलेक्शन में काम किए, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वेंकैया नायडू साहब इलेक्शन में लड़े थे। फिर मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस में आए, मैं अकेले MLA था, फिर हम 2 MLA हुए। 99 में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मजलिस के MLA बने, फिर 2004 में MLA बने, 2009 में बने, 2014 में बने, फिर 2018 में बने। तो माशाल्लाह से मुमताज़ अहमद खान साहब से मेरे पर्सनल ताल्लुकात भी हैं और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।